सरकारी संस्थानों को बंद करना जनहित में नहीं, सरकार रिव्यू करे और पैरामीटर तय कर ले फैसला। 15 दिन के भीतर संस्थानों को नहीं खोला तो होगा आंदोलन। पेपर लीक मामले में गहनता से हो जांच। पिछले कुछ वर्षों से पेपर लीक माफिया हिमाचल में सक्रिय। सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कांग्रेस सरकार द्वारा डी नोटिफाई किए जा रहे संस्थानों को बंद करने का विरोध किया और सरकार को 15 दिन समय देकर इन संस्थानों को रिव्यू करके इन्हें फिर से खोलने के लिए पैरामीटर तय करने को कहा। राकेश सिंघा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक लाभ के मकसद से सरकारों ने चुनावी वर्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की प्रथा शुरू की है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राकेश सिंघा ने कहा कि अगर सरकार ने इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो लोगों को जागरूक कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट की भाई एक लेवल पर जो, लेकिन इंटरव्यू में उसके रिटन एग्जामिनेशन की मेरिट नहीं कंसीडर की जाएगी। कैन यू एवर अलाउ सच अ थिंग टू हैपन? एग्जामिनेशन में उसको दरकिनार कर दिया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसकी अलग से मेरिट बनेगी, तो जिसका क्या मतलब है? आदेश करते ऑटोनोमस है वो इंस्टीट्यूशन, ऑटोनोमस रहना चाहिए और सारी जो आपकी भर्ती है मेरिट के आधार पर, लेकिन जो वहां पर नियुक्ति से प्रिपेयर की जाती है और जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको ये कहा जाता है कि इनकी सिलेक्शन करनी है आपने। इसके बारे में जरूर कहा है, हम सारी अपॉइंटमेंट्स के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम उन ये शिकायतें की गई है जिसमें लोग ये न्यायालय के दरवाजों को खड़काया है, अंदर आउटसोर्स के जरिए ये जो अपॉइंटमेंट्स की है उसके बारे में हम ये कमीशन में पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर दिया है। वो भी दुर्भाग्य है, आप पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर देंगे, उसकी मार्किंग को आउटसोर्स कर देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो किस तरीके से मार्किंग करेंगे, वो बिक सकता है, वो उसमें हेरा फेरी हो सकती है, तो अगेन वो भी क्या कहते हैं ठीक बात नहीं है, तो इस बात का भी हमने जिक्र किया है। तीसरी बात है जो आपका ये विवाद चल रहा है सीमेंट प्लांट का, डानी जो अपने हजारेदारी पैदा करना चाहता है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, 10 दिन का मौका दिया है, हम ट्रांसपोर्ट यूनियन से अपील करना चाहते हैं अपनी व्यापक एकता को बनाए रखे और सिर्फ अपनी व्यापक एकता नहीं, ये प्रश्न सीमेंट उद्योग और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसका मसला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का मसला है और इसलिए व्यापक जनता की एकता को बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स पहलकदमी करें और हम उनको वायदा देना चाहते हैं, उनके साथ वायदा करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी उनके साथ कांधा से कांधा मिला के खड़ी रहेगी अगर अडानी वो बदमाशी करने की कोशिश करें लीजिए। और फिर एक एक के ऊपर क्या कमी पेशी है उसको जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कार्य होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अगर पिछली सरकार ने नहीं किया ये दुर्भाग्य है, लेकिन जनता उसके लिए वो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इन कार्यों से जनता को सजा मिल रही है, ऐसा हमारा मानना है। एक बात है ये, दूसरी बात है जो भर्ती का जो ये गफला कल ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर का अंदर है जो आपका जे ए ओ आई टी जो 995 का कोड का जो प्रश्न आया है और जिसमें साफ पता लगा है कि वो पेपर बिक रहा था, तो उसके बारे में थरो छानबीन होनी चाहिए। और इससे पहले आपका पुलिस का अंदर हुआ है, लेकिन पुलिस में जो असली लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया। विश्वविद्यालय में समय समय पर शिकायत की गई और जिसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं उसकी आपने भर्ती कर दी है, तो वहां भी होना चाहिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आपने RNP रूल्स बदले हैं, जहां पर आपने मेरिट को दरकिनार किया है, जिस मेरिट के आधार को के ऊपर सिलेक्शन नहीं होती है सिर्फ वो। एंस्टा न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। मान्य नहीं है उसके RNP द्वारा आपको वो